वेलकम फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और प्लेन ऑफ कॉलिमेशन मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये न्यूमेरिकल हमारा बेस्ट है SBET 2016 एग्जामिनेशन पे। देखिए, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेयर ऑब्जर्व्ड सक्सेसिवली विथ अ लेवल। ये जो स्टाफ रीडिंग है, ये इंस्ट्रूमेंट से हम लोग का ऑब्जर्व किया हुआ है। द इंस्ट्रूमेंट हैव बीन मूव्ड आफ्टर थर्ड सिक्स एंड एट रीडिंग के बाद ये इंस्ट्रूमेंट मूव किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें चेंज पॉइंट लिया हुआ है। ठीक ना, रीडिंग है 2.228, 1.606, 0.988 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक आपका रीडिंग लिया हुआ है। कैलकुलेट द RL ऑफ पॉइंट्स, हम लोग का यहाँ RL निकालना है। इफ़ द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन विथ अ स्टाफ हेड ऑन अ बेंच मार्क ऑफ 432.384, ये हमारा RL दिया हुआ है 432.384, ये RL दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हमारा बेसिकली दो फॉर्मूला का यूज किया था। ये दो हमारा कॉन्सेप्ट है। पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये है RL एट BM प्लस BS एट BM। BS यहाँ है बैक साइड। ठीक है, BM बेंचमार्क हो गया, RL रिड्यूस लेवल हो गया। RL हमारा हो गया HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइट और फोर साइट। ठीक है, देखिए ऐसा हम लोग एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ सीरियल नंबर या इसको स्टेशन पॉइंट लिख दीजिए। ये हो गया बैक साइट, इंटरमीडिएट साइट, फोर साइट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूस लेवल, रिमार्क। ठीक है, देखिए बैक साइड क्या होता है। बैक साइड जो हम लोग जो किसी भी स्टेशन पे हम लोग रीडिंग लेते हैं, तो जो पहला रीडिंग होता है वो बैक साइड रहता है। ठीक ना, और जो लास्ट रीडिंग होता है उसको फोर साइड बोलते हैं। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट साइड वो मोर देन वन और वन और मोर देन वन होता है। ठीक है, किसी पहला हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी चेंज पॉइंट पे और किसी भी स्टेशन पे हमारा मिनिमम दो साइट होना ही होना चाहिए। दो साइट होता ही होता है, बैक साइट और फोर साइट। ठीक ना, अदर जो हमारा जो हमारा रीडिंग होता है, जो मीन वाली रीडिंग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट साइट। जो फर्स्ट रीडिंग होगा बैक साइड हो गया, जो लास्ट रीडिंग हुआ वो हमारा फोर साइट हुआ, और मीन वाली जो भी रीडिंग होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली अदर पॉइंट पे इसी तरह फॉलो करता है। ठीक है, देखिए बैक साइड में देखते हैं। यहाँ देखिए थर्ड, सिक्स और एट, आफ्टर थर्ड 1, 2, 3, तो आफ्टर थ्री हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक चेंज पॉइंट आएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा बैक साइड हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग चेंज पॉइंट आएगा वहाँ पे एक बैक साइड होगा पहला। ठीक ना, बैक साइड होगा अगेन यहाँ पे, ये हो गया 4, 5, 6, 7, अनदर हमारा चेंज पॉइंट यहाँ मिलेगा, मतलब बैक साइड हम लोग का यहाँ मिलेगा 8, 9, और जो हमारा थर्ड आएगा वह यहाँ आएगा। ठीक है, देखते हैं बैक साइड। देखिए यहाँ पे, मतलब फर्स्ट जो हमारा जो बेंचमार्क पर जो हमारा रीडिंग लिया गया है वो 1, 2, 3 है। ठीक है, तो 3 है, तो पहला हो जाएगा बैक साइड, और जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फोर साइड। देखिए फर्स्ट बैक साइड हो गया, ठीक है, और लास्ट हमारा हो जाएगा फोर साइड। इंटरमीडिएट क्या है हमारा, इंटरमीडिएट एक ही है, तो 1.606 हो गया। ठीक है, फोर साइड पे हमारा चेंज पॉइंट आ रहा, तो चेंज पॉइंट आ रहा, तो इसी जो फोर साइड जहाँ पे आया वहीं पे हम लोग फिर स्टेशन हम लोग फिक्स करेंगे, और वहाँ पे हम लोग BS लेंगे, बैक साइड लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यहाँ देखिए ये आ गया। ठीक है, अगेन हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग का कितना पॉइंट है। ये बैक साइड हो गया, ये हमारा 1, 2, 3 होगा, यहाँ फिर चेंज पॉइंट आ जा रहा है। ठीक ना, तो इसका मतलब हमारा ये बैक साइड हो गया, ये जो बैक साइड तो था ही हमारा, यहाँ दो रीडिंग है, तो एक फोर, और लास्ट हो गया हमारा फोर साइड, और मीन वाइल हो गया हमारा इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इंटरमीडिएट साइड, एंड अगेन हमारा
फोसाइट आ गया, ठीक है, फोसाइट आ गया। फोरसाइट पे हमारा चेंज पॉइंट मिल रहा है, चेंज पॉइंट मिल रहा है, तो ये हमारा स्टेशन आ गया, ये हमारा बैक साइट आ गया, ठीक है, बैक साइट आ गया। एंड अगेन हम लोग देख रहे हैं बैक साइड के बाद हमारा एक रीडिंग मिल रहा है, तो बैक साइड के बाद हमारा किसी भी पॉइंट पे मिनिमम दो होना चाहिए, बैक साइड और फोर साइड, तो हमारा ये फोर साइड हो गया, ये हमारा फोर साइड आ गया, फोर साइड लास्ट। और फिर जो फोर साइड पर है वहाँ पे हम लोग फिर चेंज पॉइंट ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ आ गया बैक साइड, बैक साइड है हमारा ये, इस पर हम देख रहे हैं एक लास्ट रीडिंग बच रहा, तो ये हमारा फोर साइड हो गया, ठीक है, फोर साइड हो गया हमारा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इतना हम लोग रीडिंग ले लिए, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये कॉन्सेप्ट का, हम लोग दो कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आरएल दिया हुआ है 432.384 आरएल दिया हुआ है, तो आरएल दिया हुआ है तो हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो आरएल इतना प्लस बैक साइड इतना, तो इतना प्लस इतना इक्वल्स हो गया, एचआई निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच आई जब हमारा निकल गया, तो एच आई, अब सेकेंड हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट एच आई माइनस आई एस और एफ एस, ठीक है, तो एच आई माइनस आई एस ये आ गया हमारा 433.006, ये हमारा आर एल आ गया, ठीक है। अगेन एच आई माइनस एफ एस ये आ गया हमारा आर एल आ गया, ठीक। अब अगेन हम लोग यहाँ देखिए सिमिलरली ऐसा पोजिशन हो गया, ऐसा पोजीशन है यहाँ पर बैक साइड यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ आर एल प्लस बैक साइड कर देंगे, ये हमारा जाएगा एच आई, ठीक है। सिमिलरली आप इसको रिपीट करेंगे, देखिए यहाँ एच आई माइनस आई एस ये हमारा हो गया आर एल, अगेन एच आई माइनस एफ एस ये हो गया हमारा आर एल, अगेन यहाँ बी एस है तो आर एल प्लस बी एस ये आ गया हमारा एच आई, अगेन हमारा जब एच आई मिल गया तो एच आई माइनस देखिए एफ एस, एफ एस आ गया हमारा इतना आ गया 433.072, अगेन हमारा यहाँ बी एस दिया हुआ है तो आर एल प्लस बी एस ये हमारा आ जाएगा एच आई। अब एच आई आ गया तो अगेन एच आई माइनस एफ एस ये हमारा हो गया आर एल, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था आर एल निकालने के लिए, तो आर एल हमारा आ गया, देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं चेक, देखिए ये हमारा आर एल तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, हमारा ये काम हो गया आज। देखिए अभी हम लोग चेक करते हैं, अभी हम लोग चेक करके भी देखते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इक्वल्स लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि नहीं। देखिए समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड ये हो गया हमारा इतना माइनस इतना, ठीक है, ये आ गया हमारे कैलकुलेशन करने पर माइनस 0.952, ठीक है। लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, एल एच एस हमारा आ गया, आर एच एस देखते हैं, ये देखिए लास्ट आर एल हमारा इतना होगा, फर्स्ट आर एल जो हमारा ये है लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल माइनस कर लिया तो इतना आया, ये सेम आ रहा तो ये हमारा करेक्ट है।